अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन टिक्का स्पेगेटी। यहाँ से शुरू होती है हमारी रेसिपी। हमने लिया चिकन, गाजर, शिमला मिर्च, बेक पाउडर की मैक्रोनी स्पेगेटी और शान के दो मसाले। यहाँ हम पानी बॉयल के लिए रखेंगे स्पेगेटी और मैक्रोनी के लिए ऑयल और नमक डाल के। इतने हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसमें हमने शान का मसाला हाफ डाला है और लहसुन अदरक डाल चुके थे हम पैसे और थोड़ा सा नमक, ये हमने कटिंग कर ली थी। देन उसके बाद हम जो है बॉयलिंग पे डालेंगे मैक्रोनी और स्पेगेटी, जो कि पानी बॉयल हो चुका था गर्म, फिर हमने इसमें डाल दी और थोड़ा सा चमचा चला देंगे। इसमें एक फ्राइंग पैन में जो है ऑयल निकाल लेना है, क्योंकि हमें मसाला तैयार करना है स्पेगेटी के लिए। हमने चिकन जो मैरिनेट करी थी उसको जस्ट 5 मिनट आपने रखना है, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल देंगे ताकि ये लगे नहीं। उसके बाद ये 5 से 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे तोड़ के चेक कर लेना है, अगर ये आसानी से टूट जाए फिर आप इसे निकाल लें प्लेट में। देन फिर उसके बाद आपने इसको जो है फॉक की हेल्प से इसको तोड़ना है, या आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास नाइफ जो भी है। जैसे हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया और अपनी वेजिटेबल्स और शान का मसाला। उसके बाद हमने इसको जो है अच्छी तरह फ्राई करना है। अगेन हमारा मसाला जो है स्पेगेटी के लिए वो 10 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पे रेडी हो गया था, और हमारी स्पेगेटी भी रेडी है बॉयलिंग पे, इसलिए आपने फिर इसको लेयरिंग करके मिक्स करना है बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये टूटे नहीं। ठीक है, मिक्सिंग के बाद हम इसे दम पे रखेंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए, और इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और फिर ये रेडी है। आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कैसा आया है। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।